हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स सीसीटीवी कैमरे के बारे में और उसे खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या होता है सब कुछ, एवरीथिंग डिटेल ऑन शो इन दिस वीडियो। प्लीज वॉच फुल दिस वीडियो। तो गाइस बात करेंगे आज और आपको बहुत सारी खासियत बताऊंगा ये क्यों दो वायर दे रखी है और इस वायर का मुझे कोई काम नहीं होता एक्चुअली बताऊं तो। चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्या है इसके अंदर, क्या है खासियत और कैसे यूज करना है। चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। आनंद मास्टर जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाएं सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस बात करते हैं, ये मैट्रिक्स का सीसीटीवी कैमरा है जो कि गाइस स्पेशली मैं हेक्टिक विजन में यूज करता था इसे, जो कि गाइस यहाँ पे आप चाहे तो मेमोरी कार्ड डाल के इसकी सेल्फ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको किसी चीज डिवाइस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे 12 वोल्ट की पावर देनी है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता रहेगा। आपकी जो मेमोरी कार्ड डालेंगे इसके अंदर कितनी भी जीबी का डाल दीजिए और इजिली आप रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं उसे। और इसका क्या फायदा है गाइस, यही है कि आपको कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो ईथरनेट पोर्ट है डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो इजिली बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट गाइस बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता क्या होता है इसके अंदर, चलिए गाइस फिर जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, इसे खोलते कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ऊपर का कवर निकालना है हमें और गाइस ये मैं पूरा निकाल के लिए आया था इसका पछोटा, तो यहाँ पे ये इसके पेज खोल लेते हैं। थोड़े डिफिकल्ट है खोलना बट उससे पहले हम कैमरे की आप वर्स्ट कंडीशन देख सकते हैं और ये गाइस थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। यहाँ से पूरा निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी। यहाँ से पूरा निकल जाता है इस तरीके से। और अब इसके ये वाले इसको, तो गाइस इसके लिए हमें पार्टिकुलर एक पेज कट चाहिए होता है जो कि हमारे पास है। तो यहाँ पे हम और ये गाइस इसलिए इस तरीके का दिया रखा है जो कि यहाँ पे गाइस इसमें मेमोरी कार्ड चल जाता है। आप इजीली नॉर्मल एक मेमोरी कार्ड से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपको कोई DVR या NVR की जरूरत नहीं पड़ती इन कामों के लिए। और यहाँ पे गाइस इसकी जो रबड़ है ये यहाँ पे स्क्रू दे रखे थी खोलने के लिए, इसे तो बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है। फर्स्ट स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस एक फेमस स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है और मैंने बहुत सारी वीडियो में इसका यूज़ दिखाया है आपको। तो सबसे पहले जो है हम इसका यूज़ करेंगे इसके अंदर एंड बट गाइस ये छोटा रह गया है इसमें, तो हम इसी का यूज़ करके देखते हैं। आई थिंक मैं इसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ तो यहाँ से ये भी नहीं निकल पाएगा। तो हमारे पास एक और स्क्रू ड्राइवर है तो गाइस अब ये वाला यूज़ करके देखते हैं इस वाले से खुल जाएगा। ये इसमें मल्टीपर्पज़ है ये और यहाँ पे हम डालते हैं गाइस खुल रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक को, यहाँ पे बहुत ही आराम से ये तीनों इसके पीस थे और यहाँ पे नॉर्मल कुछ नहीं था। ये गाइस यहाँ पे इसके ऊपर एयर टाइट लेंस लगा रखा है जो कि गाइस गंदगी और उससे बचाता है। और ये है सेंसर जो कि डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे दिन हो रहा है या रात हो रही है। ये गाइस बल्ब हैं बहुत सारे एंड बात करते हैं यहाँ पे हमें स्क्रू दो और खोल के देखना पड़ेंगे उसके बाद हमें मालूम चलेगा। तो ये स्क्रू हम नॉर्मल इस पेचकस से खोल सकते हैं जो कि हमने खोल लिया है और यहाँ पे स्लाइडर को निकालने का ये गाइस यहाँ पे एक वो लगा रखा है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिक्योर तरीके से दिखाया है इसे और यहाँ पे बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं जो नाइट विजन में काम करते हैं स्पेशली। एंड बात करें ये फोकस के लिए, इसे बिल्कुल मत छेड़ना गाइस, आपने हल्का से भी टाइट और ढीला कर दिया तो आप इसे सेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं एक पूरी प्रॉपर तरीके से पैटेंट है यहाँ पे बट इसे खोलने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। ये है पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा सर्किट लगा हुआ है जो कि गाइस कैमरे को डिटेक्ट करता है और पावर ये दे रखी है पावर पोर्ट विजन के लिए और आपको अच्छी तरीके से पूरा फुल व्यू प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे गाइस जो सीडी प्लेयर में एक पत्ता आता था उस टाइप का लगा हुआ है। यहाँ पे गाइस ये गोलियां सल्फास की, प्लीज डोंट ईट। और गाइस इसके अंदर जो लगा हुआ है वो ज़्यादा मेन कह सकता हूँ कि मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहले स्क्रू देख लेते हैं कितने स्क्रू है, टोटल मिला के एक ही स्क्रू लग रहा है गाइस अंदर तो यूज इसे खोल के देखते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने ढीला कर दिया है इसे और इसे भी हमने खोल दिया है एंड आई थिंक अब आराम से निकल जाएगा। यस सही है। और फाइनली आपको जो मिलती है वायर
वो अंदर इस टाइप से आपको। तो गाइस ये है पूरा इसका सर्किट एंड इसमें पानी जा चुका है और इसलिए आपको कोई एनवीआर या डीवीआर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे यूज करने के लिए आप डायरेक्टली इसे पाया, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और आप इजीली इसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने किसी भी प्रोसेस में। तो गाइस इसके कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं जो कि गाइस मैं आपको चलती वीडियो में दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकता हूँ ये कुछ दे रखा है जो कि इसे आईसी है इस पे टच ना हो, तो ये यहीं पे झुका रहने देते हैं। और ये गाइस मेनली वायर है जो कि आपको मदद करती है कनेक्टिविटी में। रेड और ब्लैक जो देख रहे हैं मेन पावर के लिए है और ये जो तीन वायर देख रहे हैं ये है इस काम के लिए जो कि आपके पोर्ट कनेक्टिविटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि RJ45 इसमें लगती है एंड गाइस इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं लगा, बस यहाँ पे ये पकड़ना है कि यहाँ पे ये पानी से गीली हो गई है तो अन्यथा कुछ नहीं है। और गाइस ये पॉइजन गोलियां हैं, धोखे से भी कोई चूहा हुआ जाता है तो इन्हें खा के भी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है उसकी। और तो गाइस कुछ नहीं है इसमें खास। और एक चीज और बताऊं जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो था ये छोटा सा सेल। गाइस टाइमिंग को रिलेटेड कोई सा भी इशू रहता है तो ये देख का ध्यान रखता है इसका और फिर आप इजीली उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमने ये फिक्स कर दिया इसका और अब इस पे लगाते हैं हम ये वाला कैमरा, तो दोबारा से फिक्स करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें पहले जो करना है वो ये अंदर कैमरा कर दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील पैक हो गया है दोबारा से कैमरा। और एक छोटा सा जो वो था वो यहाँ के लिए था हमारे। तो गाइस ये था पूरा, आप समझ गए कि क्या था इसका टाट कमंडल का यूज एंड किस तरीके से हम इसे मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक ऊपर प्लास्टिक का कवर है जो कि गाइस कह सकता हूँ डायरेक्टली सनलाइट से इसे बचाता है। मेन तो वो काम है इसे पानी वानी से बचाने से भी थोड़ा सा प्रोडक्शन देता है कि ऊपर से सीधा पानी गिर रहा है तो। और यहाँ पे गाइस मेन जो है वो लाइट का इफेक्ट है कि लाइट पड़ती है तो उस चीज़ को बचाता है। तो गाइस आपने देखा पूरी तरीके से, तो जल्दी ये शुरू करते हैं फिर आगे की वीडियो। तो गाइस आपने एक्चुअली देखा कि इसके अंदर क्या होता है मैक्ट्री सीसीटीवी कैमरे के अंदर और एक्चुअली हम इसे ठीक कर सकते नहीं कर सकते गाइस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि जो सर्किट होता है वो बहुत ही ज्यादा कह सकता हूँ कि इतनी पतली 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 छोटी छोटी आईसी लगी हुई होती है जो रिपेयर करना वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और स्पेशल जो विदाउट टेक्नीशियन होते हैं। क्योंकि गाइस आप नॉर्मली कहते हैं कि वायर वायर टूट जाए तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं दोबारा से, बट कोई आईसी पार्टिकुलर खराब हो जाती है तो उसे चेंज करने के लिए स्पेशल टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो कि गाइस इस पर काम कर चुका हो। अदर मैं चाहूँ कि आज मैं टेक्नीशियन बन जाता हूँ इस चीज को ठीक करने के लिए तो गाइस वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस फाइनली मैंने आपको दिखाया, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।